क्या अखिलेश यादव के खिलाफ हुंकार भरने के मूड में है अपर्णा? तो क्या अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी अपर्णा यादव? यूपी विधानसभा चुनाव करीब आते ही दिलचस्प भी होता जा रहा है। हाल ही में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में आने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि अपर्णा लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इन सब के बीच अपर्णा ने जिस तरह हुंकार भरी है उससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी उन्हें कड़ी चुनौती देने का मन बना लिया है। हालांकि बीजेपी ने करहल सीट से अभी तक अखिलेश के खिलाफ किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इन सब के बीच मैनपुरी और आसपास के इलाकों में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को अखिलेश के खिलाफ टिकट दे सकती है। खुद अपर्णा ने भी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान इस बात के संकेत दिए। अपर्णा ने कहा कि वो करहल सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। एक सवाल के जवाब में अपर्णा ने कहा कि फिलहाल लखनऊ कैंट सीट पर जनता की सेवा में लगी हूं, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से निर्देश आएगा तो मैनपुरी की करहल सीट से भी अखिलेश भैया के खिलाफ चुनाव लड़ लूंगी। मैं किस सीट से चुनाव लड़ूंगी ये पार्टी तय करेगी। अपर्णा ने कहा कि एसपी छोड़कर बीजेपी में आने से मेरे ससुर मुलायम सिंह यादव नाराज नहीं हैं और उन्होंने मुझे खुद आशीर्वाद भी दिया। वहीं चाचा शिवपाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन आज वो नसीहत दे रहे हैं। अगर खुद ये बातें मानते तो अपनी अलग पार्टी नहीं बनाते। आपको बता दें कि चुनावी मौसम में समाजवादी खेमे को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में आने के बाद अपर्णा ने कहा कि वो राष्ट्रवाद की वजह से और पीएम मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जाति पाति की राजनीति नहीं करती है और वो यहाँ पर मलाई खाने नहीं आई हैं। साथ ही अपर्णा ने विपक्षी दलों पर देश को बांटने की कोशिश का आरोप भी लगाया। जाहिर है अगर अपर्णा करहल सीट से चुनाव लड़ती हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।